हेलो एवरीवन, वेलकम टू निषाद एंटिटी। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 10 कवर करने वाले हैं, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देखते हैं क्या होता है। अपने रिवाजों के हिसाब से हम लोग सबसे पहले बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, कि बॉक्स से ही पता चल जाता है ना कि पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अरविंद प्लेज अ किंग। अरविंद जो है वो एक राजा का नाटक करता है, ठीक है। एक राजा का जो है उसको रोल दिया जाता है करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। अरविंद को जो है एक स्कूल में एक नाटक में जो है उसको राजा का रोल दिया जाता है। तो देखते हैं, ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमनली स्प्लेंडेड रोब्स टू ट्वर्ल हिज मस्टेज एंड वेल्ड द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद पुष्ट। अब अरविंद ये सोचता है कि वो पूरे एकदम हाव भाव में चलेगा, बिल्कुल ऐसे जो है मुझे इस राजा लोग होते हैं ना कि जिस तरीके से एकदम हाव भाव में चलते बिल्कुल वैसे, और उसको जो है एक तलवार मिलेगी जिसपे चांदी के हैंडल होंगे, उसके सिल्वर रैप जो होंगे उसके हैंडल होंगे, वो बिल्कुल ऐसा सोचता है कि मुझे तो ऐसा कुछ मिलेगा। देखते इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड दैट ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ विनर। अब वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है जब ये सुनता है कि उसको ये तो करने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ जो है उसको वीणा भी प्ले करना है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वो भी प्ले करना है। अब देखिए, एंड रिसाइट पोइट्री, और पोइट्री भी रिसाइट करनी है, पोइट्री भी गानी है। अ म्यूजिशियन किंग हु वॉज दैट ही वॉन्टेड। वो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जो म्यूजिशियन था, जिसको वो वीणा भी प्ले करता था, पोइट्री भी लिखता था, चाहे गाता था, ऐसा कौन सा किंग था। वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। तो देखते हैं आगे इस चैप्टर में किस किंग के बारे में बताया गया कि कौन से किंग जो थे जो वीणा प्ले करते थे। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस चैप्टर में। प्रशस्तीज एंड वॉट दे टेल अस। प्रशस्तीज और वो हमें क्या बताते हैं। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि प्रशस्ति जो होती थी, जो इतने भी किंग होते थे ना, उनके जो भी पोएट्स होते थे, जो दरबार में जो पोएट्स रहते थे तो वो लिखा करते थे, और वो जो पोएट्स होते थे वो किंग के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखा करते थे कि किंग ने ऐसा किया था, किंग ने वैसा किया था। और जो किंग होते थे वो उनको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी देते थे, अच्छी अच्छी गिफ्ट्स से उनको नवाजा भी करते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो उन लोगों को रखा करते थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे सम्मान भी दिया करते थे वो उन लोगों को। तो अभी देखते हैं कि प्रशस्ति जो होती हैं वो क्या बताती हैं। तो अरविंद वो सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी नोन एज गुप्तास। अरविंद जो है वो किसकी जो है एक्टिंग कर रहा था, तो वो थे समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त जो थे, जो भी गुप्ता डायनेस्टी थी, जो गुप्ता वंश था, वो उसके एक बहुत ही जाने माने और एक बहुत ही फेमस जो है रूलर थे, एक बहुत ही फेमस जो है वो शासक थे, बहुत ही फेमस राजा थे। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद। हमें समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जानने को मिलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जानने को मिलता है कि जब एक अशोका पिलर है इलाहाबाद में, एक अशोका पिलर है, वहीं पे जो है उस पिलर पे जो है खुदाई करके जो है उनके बारे में जो है एक चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। इट वॉज कम्पोज्ड एज अ काव्य बाई हरिसेना। और ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेना के द्वारा लिखी गई है, हु वॉज अ पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में जो है एक पोएट था, उसके साथ साथ वो एक मिनिस्टर भी था, तो उसने जो है एक समुद्रगुप्त के बारे में जो है ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी, ठीक है, और जिसको लाके अशोका पिलर पे लिख दिया गया था। तो आगे देखते हैं कि दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। ये इंस्क्रिप्शन जो है वो एक स्पेशल काइंड का है, क्योंकि इसमें राजा के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, राजा की व्याख्या की गई है, इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, तो इसलिए इसको प्रशस्ति कहा जाता है। अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। संस्कृत में इसका मतलब होता है कि किसी के अच्छा, किसी के बड़ाई करने में, ठीक है। While prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, हम लोगों ने chapter 9 में पढ़ा था कि प्रशस्ति जो है वो और भी बहुत सारे rulers के लिए बनाई गई थी, such as गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, they become far more important for from the time of Guptaj। जैसे कि गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की भी प्रशस्ति जो है वो हमको मिली थी, ठीक है। तो अभी हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे। Let us see what समुद्रगुप्त प्रशस्ति tells us। देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है वो हमें क्या बताती है। The poet praised the king in the glowing terms as a warrior, a king who won victories in the battle, who was learned and the best of the poets। देखिए, poet ने जो है समुद्रगुप्त के बारे में कहा है, जो कवि हैं उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में कहा है,
कि वो एक बहुत ही महान योद्धा थे, उसके साथ साथ जो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो बहुत सारी जंगें लड़ी थी, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे जो वो राजा ने लड़े थे, और उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी जो है पोएम्स भी जो है लिखी थी, और बहुत अच्छे वो पोएम भी पोएट भी थे। He is also described as equal to the god. He, the Prashasti was composed in a very long sentence. Here is a part of one such sentence. उनको जो है भगवान के समान भी माना जाता था, और ये जो प्रशस्ति है वो बहुत बड़ी लिखी गई है, लेकिन उसके जो है कुछ पार्ट जो है यहाँ पे हैं, जैसा देखते हैं। समुद्रगुप्त वॉरियर, समुद्रगुप्त योद्धा, whose body was most charming, being covered with the platinous beauty of the marks of hundreds of scars caused by the battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. अब वो बोलते हैं कि किसकी बॉडी जो होगी वो इतनी खूबसूरत होगी, जो समुद्रगुप्त की जो बॉडी है वो जो है एक तरीके से उनकी जो बॉडी पे जो निशान है, जो युद्ध के जो भी निशान पड़े उनकी बॉडी पे, कहीं तीर के, भाले के, ठीक है, अलग अलग वेपन्स के जो निशान पड़े हुए हैं बॉडी पे, वो उनकी सुंदरता के प्रतीक हैं, वो उनकी बॉडी को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि जब एक वुमेन की बॉडी पे जो ज्वेलरी जो है वो काफ़ी शोभा देती है, ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो वैसे योद्धाओं के शरीर पे जो है ये निशान जो है वो सही उनके लिए जो है बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि इफ़ यू लुक एट मैप 7, जब आप मैप 7 पे देखेंगे, पेज नंबर 105 जो, चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे अपने 7 नंबर वाले मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। You'll notice an area shaded in green. आप लोग जो है ग्रीन कलर का एरिया देखेंगे जो शेड किया गया ग्रीन कलर में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। You'll also find a series of red dots along the east coast and you'll find areas marked in purple and blue as well. तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है रेड डॉट भी बनाया गया है, ब्लू कलर से मार्क भी किया गया है, तो आखिर ये है क्या। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई प्रशस्ति, ये मैप जो है जो भी प्रशस्ति के द्वारा मिला हुआ इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बनाया गया। हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर, हरिसेना ने जो है 4 प्रकार के रूलर्स को डिस्क्राइब किया था, एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड देम, और समुद्रगुप्त जो है किस तरीके से जो है उनकी जो है नीति थी इन चारों रूलर के खिलाफ, उनके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, द रूलर ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, जो आर्यव्रत जो रूलर थे जो ग्रीन कलर का एरिया है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखें यहाँ पे पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिच जगह है ये। देखते हैं आगे क्या बताते हैं, ये आर्यव्रत का एरिया था। हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, ये जो एरिया है ना यहाँ पे 9 रूलर्स थे, 9 शासक थे यहाँ पे, जिनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया और इनके एरिया को जो है समुद्रगुप्त के एरिया से मिला दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या है उसके बाद से। दूसरा है, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हूज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। अब देखते हैं दक्षिणापथ वो है जो बिल्कुल जो है क्या है ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, समुद्रगुप्त ने इनको जीत लिया था, लेकिन फिर समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनको अलाउ कर दिया कि आप फिर से यहाँ पे जो है अपना शासन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्ट बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गणशंघर्स इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन द पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेंट हिज कोर्ट्स। अब देखिए जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो जितने भी जो है किस कलर से हैं, पर्पल, ध्यान नहीं दिया, पर्पल कलर से, जितने भी पर्पल कलर वाले हैं, मतलब ये पूरे एरिया, ठीक है, ये सब नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, समुद्रगुप्त के नेबरिंग स्टेट्स हैं, और ये समुद्रगुप्त के जो कोर्ट दरबार में जो है ये सब अटेंडेंट का काम करते थे, ठीक है, दरबारी भी थे इसमें से ढेर सारे, और जो भी समुद्रगुप्त का ऑर्डर होता था ये सब जो है उनको माना करते थे। अब आगे देखते हैं, द रूलर ऑफ द आउटलेइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप पर द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशनास एंड द शाकास, द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। अब देखिए ये जो एरिया ये किसका था, कुशनाज और शाकास का था, उसके बाद से क्या किया गया, और श्रीलंका के रूलर्स का भी था, इसके बाद से इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की शादी जो है इसमें कर दी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पाइंड प्रयागा, द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र ऑन द मैप, दीज वर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द गुप्ता रिवर्स। 3 जगह के बारे में जानना है, पहले तो जानना है हमको
प्रयागा, उसके बाद उज्जैन और पाटलिपुत्र। चलिए ढूंढते हैं। देखो मुझे तो मिल गया, अब तुम लोगों को मिला या नहीं अब ये हम नहीं बता सकते। मुझे मिला है, मैं बताती हूँ। देखो ये प्रयागा, यानी कि अब प्रयागा पुराना नाम था, फिर इलाहाबाद हुआ, उसके बाद फिर प्रयागराज हो गया, ठीक है। इसके बाद से जो है हमारा दूसरा है कौन सा, उज्जैन, और उसके बाद है हमारा, यार ये तो मैप पे दिख भी नहीं रहा है कलर, लेट्स चेंज द कलर, ये रहा उज्जैन, और उसके बाद से जो हमको मिल गया हमारा पाटलिपुत्र। तीन जगह मिल गया। तो ये जो जब गुप्ता डायनेस्टी थी ना, गुप्ता गुप्ता वंश जब था, जब इसमें ढेर सारे शासक राज किए, तो जब ये वाली डायनेस्टी थी तो इसमें क्या था कि ये जो तीनों जो तीनों जगह थी वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तीनों जो होती है बहुत रिच जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, ठीक है। तीनों जगह जो थी बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो है काफी अच्छा होता था। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है।